कन्हैया कुमार बहुत दिनों से बयानों में नहीं आ रहे थे और कोरोना महामारी के दौरान भी नज़र उतनी नहीं आए, मगर चिराग पासवान के विवाद बढ़ने के बाद वह सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर निशाना लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वह उनका कन्हैया कुमार का यह कहना है कि चिराग पासवान को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, यह तमाम साजिशें बीजेपी द्वारा रची गई है और यह बीजेपी ही करा रही है। कन्हैया का यह भी कहना है कि बीजेपी का जो मंशा है वह वन नेशन वन पार्टी की जो बात है उसको लेकर कन्हैया कुमार ने फिर रिपीट किया है, या कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार बीजेपी को निशाना बनाने से एक भी बार चूकना नहीं चाहते हैं, या वह यह मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि बीजेपी आखिर कैसे कहीं भी कुछ भी हो कन्हैया का जो बयान है वह बीजेपी के खिलाफ ही हो जाता है। तो यह लोग भी भरसक समझ रहे हैं कि कन्हैया कुमार कोरोना महामारी में एक भी बार उतने दिखाई नहीं दिए, जहां से वह चुनाव लड़े वहां भी वह दिखाई नहीं दिए, यानी कि मुसीबत के वक्त में कन्हैया कुमार कहां चले जाते हैं। यह भी एक प्रश्न है कि कन्हैया मुसीबत के वक्त जनता में क्यों नहीं नज़र आते हैं, जब बाढ़ आता है, जब सुखाड़ होता है और जब कोरोना महामारी में जब जनता त्रस्त थी तो तमाम नेता कैसे छुप जाते हैं, उसी में कन्हैया कुमार भी छुप गए थे। मगर जैसे ही चाचा और भतीजे की एलजेपी में कलह की बात आई तो बयानवीर की तरह कन्हैया कुमार भी नज़र आए, अपनी बातों को कहने में वह पीछे नहीं हटे और वो उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है यह तमाम साजिशें बीजेपी और जदयू की है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी और जदयू को भी खूब सुनाया है। उनका कहना है कि ये पूरा खेल दिल्ली से हो रहा है और बीजेपी के नेता जिस प्रकार से तोड़ और जोड़ में नीतीश कुमार की मदद यानी जदयू की मदद लेकर के चिराग पासवान को परेशान करने का जो प्रयास किए हैं वह खेल का स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखा है। उनका कहना है कि वह विलय कराना चाहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी को अपनी पार्टी में। साथ ही साथ कन्हैया का यह भी कहना है कि बीजेपी वन नेशन और वन पार्टी का जो बातें लेकर चल रही है, जो कन्हैया कुमार का आरोप है बीजेपी पर, कि वह कभी भी, कन्हैया का यह कहना है कि बीजेपी कभी भी नहीं चाहती है कि कोई भी छोटी छोटी पार्टियां बढ़े। इसी को लेकर कन्हैया कुमार ने लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान की तरफ सहानुभूति की लहर बनाते हुए भी नज़र आए। साथ ही कहे कि कन्हैया और चिराग को लोग क्यों पसंद करेंगे, कन्हैया और चिराग को तब जनता पसंद करेगी, तब वह नेता होंगे और वह राष्ट्रीय अध्यक्ष वह जनता चुनेगी। पहले भी बयान दे चुके थे, अब भी कन्हैया बयान दे रहे हैं। उनका कहना था कि जब तक जनता नहीं चाहेगी और जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक आप नेता नहीं बन सकते हैं, चाहे कितनी भी तोड़ जोड़ और घमासान कर लीजिए। उनका साफ निशाना था बीजेपी और जदयू। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि कन्हैया कुमार को भी जनता खूब समझ रही है और वह कोरोना महामारी में नहीं दिखे और बयानबाजियों में वह खूब दिखते हैं। तो कन्हैया कुमार ने बयान अपना रख दिया है। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप तमाम खबरों और मुद्दों में बने रहने के लिए झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।